Hello everyone, I am back with the third lecture of the chapter On the Face of It, written by Susan Hill from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Mr. Lamb and Derry, they both are talking in the garden and Derry wants to go, but Mr. Lamb does not want him to leave. And they both start talking and Mr. Lamb tells him, Derry tells him that people are afraid of him. He himself is afraid of his face. When he looks into the mirror, he is afraid of himself. Then Mr. Lamb tries to console him. He tells him, you need not to be afraid of yourself. And they also talk about how he should see the world. Mr. Lamb उसको सिखाते हैं कि उसको दुनिया को किस तरीके से देखना चाहिए. He gives him an example. He gives Derry an example that he compares himself to the weed. वो weed के साथ अपने आप को compare, उन जैसे लोगों को compare करते हैं. Derry और Mr. Lamb के जैसे लोगों को weed के साथ compare करते हैं. He compares them with the weed. Weed is an unwanted plant which grows outside the flower or fruit plant. So he tells him that both are green, both are a part of nature. Then why we pick and throw the one plant and why we nurture the other plant? एक को इतना नर्चर करके क्यों रखते हैं और दूसरे को क्यों उखाड़ के फेंक देते हैं, पुल आउट और वी थ्रो इट आउट. सो ऐसे क्यों करते हैं जबकि दोनों ही नेचर का पार्ट है. वो ये बात को मेटाफोरिकली कह रहे हैं. वो कंपेयर करते हैं खुद को कि हम लोग भी, हम जैसे लोग भी इस वर्ल्ड का एक पार्ट है, तो क्यों हम लोगों को दूसरी नज़र से, अलग नज़र से देखा जाता है. तो ये बात उसको समझा रहे हैं, डेरी को समझा रहे हैं, बिकॉज डेरी इज़ वेरी अनॉयड विथ हाउ पीपल ट्रीट हिम, about the way people look at him. They think something else, they speak something else. वो लोग बोलते कुछ हैं और सोचते कुछ और है उसके बारे में. And he knows everything, he notices everything, and this is very annoying. उसको ये चीज़ बहुत annoying लगती है. बिल्कुल उससे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है लोगों के ऐसे बिहेवियर से. तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि लोग उसके चेहरे की तरफ देख करके उसको सिंपथी तो देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में चलता है कि हाउ अगली इज़ दैट, वो कैसा दिख रहा है, देखो उस लड़के को. दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स रन ऑन देयर माइंड. सो ही डज नॉट लाइक दैट. ही वॉन्ट्स पीपल टू स्पीक द ट्रूथ और ही नोज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिज फेस, और वो पीठ पीछे बात करेंगे ही. सो ही इज़ ही डज नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, हाउ पीपल लुक एट Derry. और अब वो छोटा है, अभी वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इस चीज़ से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. ही इज़ नॉट हैप्पी विथ इट. नाउ विल मूव फॉरवर्ड इन द चैप्टर एंड लुक कि मिस्टर लैम्ब उसको किस तरीके से समझाते हैं. और जब मिस्टर लैम्ब उसको डिफरेंस बताते हैं, वो बोलते हैं व्हाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड एंड अनदर फ्लावर, कि दोनों ही ग्रीन प्लांट है, दोनों ही नेचर का पार्ट है, तो एक को वीड क्यों बुलाना और दूसरे को फ्लावर क्यों बुलाना, एक को क्यों उखाड़ के फेंक देते हैं हम लोग और दूसरे को क्यों नर्चर करते हैं. तो व्हाट, वेयर इज़ द डिफरेंस, दोनों में आखिर क्या अंतर है. इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग, दोनों में ही ज़िंदगी है, दोनों ही जीवन देते हैं. सेम एज़ यू एंड मी, जैसे मैं और तुम हैं, ठीक है, हमारे, हम दोनों भी किसी से अलग नहीं हैं. Derry, वी आर नॉट द सेम. तो डेरी उनको कहता है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हम लोग सेम नहीं हैं, हम लोग बहुत अलग हैं. मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बॉन्ड फेस, आई हैव गॉट अ, सॉरी, टिन लेग, नॉट इम्पॉर्टेंट. मिस्टर लैम उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मैं और तुम, यहाँ दुनिया और वो लोगों की बात नहीं हो रही है, यहाँ डेरी और मिस्टर लैम की बात हो रही है कि वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अलग नहीं हैं. डेरी ये बात नहीं समझता है. डेरी कहता है नहीं, हम दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं हैं, हम लोग अलग अलग हैं. तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम जवान हो, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, तुम्हारा एक फेस जला हुआ है, और आई हैव गॉट अ टिन लेग, और मेरा एक पैर जो है वो टिन का बना हुआ है. नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन फिर भी यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ. वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है. तो ये जो है ना, ये समझाने का तरीका है कि हम दोनों इसी धरती पर खड़े हैं, हम दोनों इसी लाइफ का पार्ट है, इसी अर्थ का एक पार्ट है, जैसे बाकी लोग हैं. तो तुम मुझसे अपने आप को अलग कैसे कह रहे हो, क्योंकि मिस्टर लैम्ब का वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड इज़ डिफरेंट, और
डेरी ऑब्वियसली अभी छोटा है तो उसको दुनिया बहुत क्रूल नज़र आती है, और मिस्टर लैम ये सब चीज़ से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, उनको दुनिया किस तरीके से उनको देखती है इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो दुनिया को किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि वो याद करो वो ये बात बोलते हैं कि दुनिया में मेरे पास बहुत कुछ देखने के लिए है, गॉड ने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की है ना मैं हर दिन उन चीज़ों को देख करके और उनको अप्रिशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने आप को अपसेट करने का कोई मतलब नहीं है इन सारी चीज़ों को सोच करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसको लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं है, लोग कैसे उसके साथ बिहेव करते हैं ये पसंद नहीं है, वो बहुत अनॉयड है। तो यही सारी चीज़ें उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर लैम। डेरी, वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, यहाँ से टॉपिक चेंज हो जाता है और डेरी पूछता है कि आपके पैर टिन के क्यों बने हैं। मिस्टर लैम, real one got blown off years back, Lamy Lamb, some kids say, haven't you heard them, you will, Lamy Lamb, it fits, doesn't trouble me। Mr. Lamb कहते हैं कि जो मेरा पैर था जिसमें अभी टिन लगा है वो जो रियल पैर था मेरा वो ब्लोन आउट हो गया, यानी फट गया, कोई एक्सप्लोजन हुआ था, कोई विस्फोट हुआ था, उसमें उनका पैर जो है वो फट जाता है, उड़ जाता है, और बहुत साल पहले की बात है। Lamy Lamb, लेम जो वर्ड होता है वो जो चल नहीं पाते हैं एक पैर से, लंगड़ा उसको कहते हैं, तो बच्चे इसको Lamy Lamb कहते हैं, Lamy Lamb के नाम से बुलाते हैं। तो वो कहता है कि बच्चे तो मुझे बोलते ही Lamy Lamb, सुना नहीं है तुमने, कोई बात नहीं सुन लोगे, बच्चे बोलते रहते हैं मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, खैर फिट भी करता है मुझ पर, मैं हूँ, मेरा एक पैर नहीं है तो ऑब्वियसली मुझे लंगड़ा ही बोलेंगे, तो मैं हूँ और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजेंट ट्रबल मी एट ऑल, इससे मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, देन दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। मिस्टर डेरी बहुत अच्छी बात बोलता है कि तो आपका एक पैर अगर टिन का है तो आप ट्राउज़र क्यों नहीं पहनते हैं, आप ट्राउज़र पहनेंगे तो वो छिप जाएगा, कवर हो जाएगा, ना कोई देखेगा ना किसी को कुछ पता चलेगा, किसी को कोई आपको नाम भी नहीं देगा, किसी को कुछ चिढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, और कोई घूरेगा भी नहीं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, देर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टे एट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ ठीक है, सब लोग बोलते हैं या सब लोग घूरते हैं, कुछ लोग घूरते हैं कुछ लोग नहीं भी घूरते हैं, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, और देखते देखते वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ को कितना देखेंगे, देखने के लिए तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खुद ही देखते देखते वो लोग खुद ही उब जाते हैं, तो मैं क्यों कवर करूं, ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, देखने दो मिनट के लिए देखेंगे फिर बोर हो जाएंगे, मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे ही वो मिस्टर लैम कहते हैं कि दुनिया में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुरंत में डेरी कहता है लाइक माय फेस, जैसे कि मेरा चेहरा, मेरा चेहरा भी तो देखने वाली चीज़ है ना, क्योंकि आधा जला हुआ है, जब भी मैं गुजरता हूँ तब लोग मुझे घूर घूर कर देखते हैं, तो घूरने के लिए एक मेरा चेहरा भी है। मिस्टर लैम, लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं तुम्हारे चेहरे की बात नहीं कर रहा था, जब मैंने बोला कि दुनिया में देखने के लिए घूरने के लिए और भी चीज़ें हैं, तो मेरा मतलब था जैसे कि ये क्रैब एप्पल जो गोल्डन और ऑरेंज कलर का सुंदर सा है, और वीड्स जो आसपास खिले हुए निकले हुए हैं, पौधे उगे हुए हैं, स्पाइडर्स जो सिल्किन जो वेब लगा करके और चढ़ते उतरते हैं। तो कभी कभी आप नेचर को बैठ करके ऑब्जर्व करोगे ना, तो सच में देखने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है। एंड माई टॉल सनफ्लावर्स, और जो मैंने गार्डन में बड़े बड़े सनफ्लावर्स लगा करके रखे हैं, देखना ही है तो इनको देखो, देखने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, घूरने के लिए। डेरी, थिंग्स, मिस्टर लैम, इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो डेरी कहता है थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें घूरने के लिए देखने के लिए, तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इट्स ऑल रिलेटिव, सब मायने रखते हैं, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कुछ खूबसूरत है कुछ बीस्ट है, ब्यूटी एंड द बीस्ट एक मूवी का नाम है, जहाँ ये मिस्टर लैम अभी डेरी को समझाने के लिए एक रेफरेंस दे रहे हैं, ये कहानी है ब्यूटी एंड द बीस्ट, होपफुली आपने सुनी होगी, सुना होगा इसके बारे में, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो मिस्टर लैम यहाँ पर रेफरेंस दे रहे हैं, It's all relative, beauty and the beast. Daddy, what's that supposed to mean?
तो डेरी कहता है कि जब आप ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल रहे इससे आपका क्या मतलब है, रिलेटिव आपने बोला और फिर आप ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल रहे हो, रिलेटिव मतलब मिलता जुलता है, और आप ब्यूटी एंड द बीस्ट बोल रहे हो। जब वो कहता है ना कि मेरा भी तो चेहरा घूरने लायक है, तो वो ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे आपका क्या मतलब है। मिस्टर लैम, यू टेल मी, तुम बताओ मुझे। डेरी, यू नीड नॉट थिंक दे हैवेंट ऑल टोल्ड मी दैट द फेयर स्टोरी बिफोर। आपको क्या लगता है कि मैंने ये कहानी पहले नहीं सुनी है? मुझे देखो, मैं आपको आपको यह समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाती हूँ कि ब्यूटी एंड द बीस्ट में क्या होता है कि जो लड़का है, जो ब्यूटी एक हीरोइन है, बहुत सुंदर सी प्रिंसेस रहती, नॉट प्रिंसेस, एक साधारण सी लड़की रहती है, डिज्नी मूवी है ये, तो ये ब्यूटी जो है बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की रहती है, और ये जो बीस्ट है ये इसको एक कर्स मिलता है, इसको एक श्राप मिलता है, ये बहुत खूबसूरत सा आदमी रहता है, सुंदर सा, लेकिन उसको एक श्राप मिलता है, उसके बाद ये बीस्ट जैसा बन जाता है, बदसूरत बन जाता है, बिल्कुल दानव शैतान जैसा बन जाता है, ठीक है। तो ब्यूटी को किडनैप कर लेता है एक बार किसी वजह से, लंबी स्टोरी है, इसके फादर जाते हैं जंगल में, इसके रोज़ मांगती है, इस रोज़ को लेने के लिए वो वहाँ जाता है, उसका फादर जो है वो उसके गार्डन में, बीस्ट के गार्डन में फ्लावर को तोड़ने के लिए चला जाता है, रोज़ को तोड़ने के लिए, तो वहाँ पे बीस्ट देख लेता है और बीस्ट उसके फादर को पकड़ के रख लेता है। तो ब्यूटी जाती है पीछे पीछे ढूंढते हुए उसको, तो वो बीस्ट बोलता है कि हम तुम्हारे फादर को छोड़ देंगे लेकिन उसके बदले तुमको यहाँ पर रख लेंगे। तो ब्यूटी अपने फादर को ये बात नहीं बताती है, अपने फादर को घर छोड़ देती है और खुद वहाँ पर रह जाती है, बीस्ट के घर पर रह जाती है। फिर दे फेल इन लव, दोनों एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बीस्ट से भी किसी को प्यार हो सकता है, पॉइंट यहाँ पे ये है, इस पर स्ट्रेस करना है। तो ब्यूटी को बीस्ट से प्यार हो जाता है धीरे धीरे, और इसका जो कर्स है ट्रू लव किसके बाद ख़त्म हो जाता है और ये वापस से एक नॉर्मल आदमी बन जाता है। जब इसको श्राप मिला होता है, कर्स मिला होता है, तो यही श्राप होता है कि तुमसे जब तक कोई सच्चा प्यार नहीं करेगा, और जो सच्चा प्यार करने वाली होगी वो जब तक तुमको किस नहीं करेगी, तब तक तुम्हारा ट्रू सेल्फ, तुम्हारा असली चेहरा जो है वो वापस नहीं आएगा। तो ये तो बहुत बड़ा श्राप हुआ ना कि अब इतने डरावने दिखने वाले इंसान के साथ इंसान, हाँ, के साथ प्यार करेगा ही कौन? तो ना ही कोई तुमसे प्यार करेगा, ना ही तुम्हारा कर्ज कभी भी ख़त्म होगा। लेकिन ब्यूटी बहुत साधारण सी अच्छी सी लड़की रहती है, उसको उसके नेचर से प्यार हो जाता है, बीस्ट के नेचर से, बीस्ट के चेहरे से नहीं, क्योंकि चेहरा तो बहुत घिनौना और डरावना है, तो बीस्ट के नेचर से उसको प्यार हो जाता है, यानी कि ट्रू लव हो जाता है। उसके बाद ब्यूटी जब उसको किस करती है तो उसका श्राप ख़त्म हो जाता है। सो स्टोरी गोज लाइक दैट। तो यहाँ पे बीस्ट से कंपेयर किया जा रहा है डेरी को, उसको भी लोग बोलते होंगे ऐसा कि ऐसा नहीं है, चेहरा मायने नहीं रखता है, तुम जैसे भी दिखते हो, तुमसे लोग प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, देखो बीस्ट को भी ब्यूटी मिल गई थी ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके की बातें मे भी उसको समझाते होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या नाम है, डेरी बोल रहा है कि आपको क्या लगता है, मुझे ये कहानी किसी ने पहले नहीं सुनाई है, मतलब लोग इसको इस तरीके की बातें बोल करके बहलाते हैं और इसने ये स्टोरी पहले से ही सुन ली है, लेकिन अभी मिस्टर लैम इसको जो बता रहे हैं वापस से ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी, अब हम वो हम लोग सुनते हैं। You need not think they haven't all told me that fairy story before. It's not what you look like, it's what you're inside. हाँ, मुझे पता है लोगों का कहना, लोगों ने मुझे ऑलरेडी बताया है स्टोरी के बारे में कि तुम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखाई देते हो, इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो, तुम्हारी अंदर की खूबसूरती मायने रखनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Handsome is as handsome does. Handsome does का मतलब खूबसूरती, तुम अच्छा कर्म तुम्हारा तुमको हैंडसम बनाता है, अच्छा सुंदर बनाता है, ठीक है। चेहरे से सिर्फ अच्छा होना, सुंदर होना तुमको सुंदर नहीं बनाता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम शी चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। ब्यूटी ने इस शैतान मॉन्स्ट्रस बीस्ट से प्यार किया और वो जैसा था उसके नेचर के लिए उससे प्यार किया, और जब व्हेन शी किस्ड हिम, जब उसने उसको किस किया, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, वो एक हैंडसम सा प्रिंस बन जाता है। ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, आई वोंट चेंज। लेकिन डेरी कहता है कि हाँ, ये सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है, वो चेंज हो गया था, वो एक प्रिंस बन गया था, लेकिन मैं नहीं बन पाऊँगा, और मैं कभी भी वो एक मॉन्स्ट्रस बीस्ट था,
उसको जब एक उसका सच्चा प्यार मिल गया तो वो चेंज हो गया, एक हैंडसम सा प्रिंस बन गया, ये भी बात नोटिस करिए आप। मैं वो बदल गया, मैं नहीं बदल पाऊँगा, आई वोंट चेंज, मैं कभी भी नहीं बदल पाऊँगा, ठीक है। ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, अगर उसको लोग प्यार नहीं करते या उससे प्यार नहीं करते तो वो ऐसे ही रह जाता, लेकिन मैं थोड़ी बदल पाऊँगा, उसका तो कर्स वाला चीज़ था ना, जादू मैजिक वाला चीज़, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। मिस्टर लैम, इन दैट वे नो यू वॉन्ट, तो मिस्टर लैम कहते कि हाँ मुझे पता है, मैं तुमको झूठ नहीं बोलूँगा या तुमको बेवकूफ़ नहीं बनाऊँगा कि हाँ लुक वाइज तुम नहीं बदलोगे। यहाँ डेरी लुक की बात कर रहा है मिस्टर लैम, यहाँ पे अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे थे। मिस्टर लैम कह रहे थे कि जो तुम्हारे इनसाइड है उसको लोग ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम्हारे आउटर लुक को नहीं प्यार करेंगे। लेकिन डेरी इस बात पे स्ट्रेस कर रहा है कि जब उस लड़के को, बीस्ट को, उसका सच्चा प्यार मिला तो वो अंदर से जैसा था वो तो उसको छोड़ दो, लेकिन वो बाहर से भी तो बदला, लेकिन ये मेरे साथ कभी नहीं होगा, मैं बाहर से कभी भी नहीं बदल पाऊँगा, मैं अंदर से चाहे जितना भी अच्छा हो जाऊँ मैं बाहर से कभी थोड़ी बदल पाऊँगा। तब मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि हाँ मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, तुम सच में बाहर से नहीं बदल पाओगे। और ऑब्वियस है कि उसका चेहरा है जैसा, वो बड़ा भी होगा तो उसका चेहरा उसके साथ रहेगा, दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका चेहरा थोड़ी चेंज हो जाएगा। इसीलिए डेरी एंड नो वन विल किस मी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई मुझे किस करेगा, ऐसे चेहरे के साथ मुझे किस कौन करेगा। ओनली माई मदर, हाँ सिर्फ मेरी मम्मी मुझे किस करती है, एंड शी किसेज मी ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेस, और मेरी माँ भी मुझे किस करती है लेकिन दूसरे साइड पे, चेहरे के दूसरे साइड पे किस करती है, अगर इधर चेहरा जला हुआ है तो वो ऑन दी अदर साइड ऑफ द फेस मुझे किस करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे नहीं पसंद मेरी माँ मुझे किस करे। सो अब यू कैन सी द ग्रेव, द डीप इमोशंस जो उसके साथ है, जो उसको कितना डीपली हर्ट किया है कि उसकी खुद की मम्मी, अब मम्मी अब किस तरीके से किस इंटेंशन से उसको दूसरे साइड पे प्यार कर रही है, किस कर रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसको ये चीज़ फील होती है कि उसकी खुद की माँ भी उसको उस गाल पे किस नहीं करती है जो उसका जला हुआ है, उसको उसके दूसरे गाल पे किस करती है, और वो नहीं चाहता है कि उसकी माँ उसको किस करे, क्योंकि उस पर भी उसको सिंपथी नज़र आती है कि तुमको करना ही है किस तो मुझे इस साइड में करो ना, तुम इस साइड में किस कर रही हो, मुझे मत करो उससे अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम मुझे किस करो, क्योंकि उसे वो ज़बरदस्ती वाला प्यार लगता है। शी डज़ इट बिकॉज शी हैज़ टू, और वो भी इस बोलते ना ड्यूटी पूरा करना, वो इसलिए पूरा करती है ताकि मुझे बुरा ना लगे, वो उसको करना है किस इस वजह से वो मुझे करती है, क्योंकि उसको वो उसकी ड्यूटी है, मैं उसका बच्चा हूँ इस वजह से। वाई शुड आई लाइक दैट, क्यों पसंद आएगा मुझे कोई इस वजह से मुझे किस करे, क्योंकि उसकी ड्यूटी है मुझसे प्यार करना, वो इस वजह से मुझे अगर किस करी है तो क्यों पसंद आएगा मुझे, उससे अच्छा मत करो मुझे किस। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेस मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे कभी ज़िंदगी में किस ना करे। ही इज़ दैट मच फ्रस्ट्रेटेड, उसको प्यार चाहिए, ठीक है, वो दिख रहा है उसको जेन्युइनली, उसको चाहिए कि कोई उसको जेन्युइनली प्यार करे, वो जैसा है वैसे उसके साथ प्यार बिहेव करे, वैसे उससे प्यार करे, उसकी खुद की माँ के साथ वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके इस साइड को भी उतना ही प्यार करे जो इस साइड को करती है, और वो जब भी उसकी मम्मी उसको इधर किस करती है तो वो उसको अच्छा नहीं लगता है, और वो कहती है कि वो कह रहा है कि उस मेरी माँ को मेरा मन करता है किस करने का, तब वो मुझे किस करती है क्योंकि उसको उसकी ड्यूटी, मैं उसका बच्चा हूँ, ठीक है, तो वो इस वजह से मुझे किस करिए, मत करो उससे अच्छा किस, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे प्यार करे नहीं करे, कोई मुझे किस करे नहीं करे, कभी मुझे ज़िंदगी में कोई किस नहीं करेगा तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, ठीक है, ये जो भाषा वो बोल रहा है ये उसका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है, वो कि अंदर से कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लैक ऑफ लव। जो लोग स्पेशली जो लोग किस होता ना कि दे आर नॉट बीइंग लव्ड, जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को लगाव, या बच्चे जब उनको फील हो जाता है कि दुनिया में कोई हमसे प्यार नहीं करता है ना, वो लोग रिबेलियस हो जाते हैं, वो लोग उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है हमेशा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। ऐसे बच्चों को ज़रूरत होती है कि उनको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करे, शुरू से उनको अफेक्शन मिले, लगाव मिले। कभी कभी क्या होता है कि अपने बच्चों में भी पेरेंट्स डिफरेंस करते हैं, तो उसमें भी जो जिस बच्चे को थोड़ा कम मिल रहा होता है ना, उसको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खटक जाती है कि देखो उसको ज़्यादा किया जा रहा है। ये माँ बाप मतलब नहीं समझ पाते कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन वो बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा असर कर जाता है कि वाई हर या वाई हिम, उसको इतना ज़्यादा प्यार क्यों मिल रहा है, या मेरे से ज़्यादा क्यों मिल रहा है, या मुझे क्यों कम हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा खटकती है, उसके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर करती है,
और यहाँ तो ये एक छोटा सा बच्चा है जिसको पूरी दुनिया ही फेक लव करती है, मतलब दिखावे के लिए प्यार करती है, कंसोल करती है तो दिखावे के लिए, सिंपथी दिखाती है तो दिखावा, अपनी मम्मी भी प्यार कर रही है तो उसको दिखावा ही लग रहा है, वो इतना ज़्यादा उखड़ गया है उसका मन, ठीक है। नाउ मिस्टर लैम, आह बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम? तो मिस्टर लैम उसे उल्टे सवाल करते हैं कि ठीक है तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको कोई किस करे, लेकिन तुमको इस बात से फ़र्क भी पड़ेगा कि तुमको कोई किस करे, लेकिन इस बात से तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम कभी किसी को किस ना करो। मिस्टर लैम थोड़ी सी यहाँ पे उससे फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं और उससे एक फ्रैंक सवाल पूछते हैं कि ठीक है तुमने कहा कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम कोई तुम्हें ज़िंदगी में कभी किस ना करे, लेकिन क्या तुम्हें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम कभी किसी को किस नहीं कर पाओ? डेरी कहता है वॉट? डेरी बच्चा है ऑब्वियसली, उससे कोई ऐसी बातें अभी नहीं करेगा, मतलब एक बूढ़ा आदमी उससे ऐसी बातें कर रहा है तो ही शॉक्ड पूछता है वॉट? मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रीटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, पीपल यू लव? तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, लड़कियाँ, जैसे मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, सुंदर लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनके बड़े बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आँखें होती हैं जिनकी, जिनसे पीपल यू लव, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं या तुम जिनको प्यार करते हो, सॉरी तुम जिनको प्यार करते हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम उनको कभी किस नहीं कर पाओ? डेरी, हु वुड लेट मी? नॉट वन, मिस्टर डेरी कहता है मुझे खुद को किस करने कौन देगा? कोई नहीं, ऐसे फेस के साथ अगर मैं किसी को किस करने जाऊंगा कौन मुझे किस करने देगा? कोई भी नहीं, नॉट वन, एक भी नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल? ये तुम कैसे कह सकते हो कि तुमको कोई किस नहीं करने देगा? हु कैन टेल? कोई नहीं बता सकता है, कभी भी ऐसा हो सकता है कि कोई तुमको किस करने के लिए रेडी हो जाए या तुम किसी को किस करने जाओ वो रेडी हो जाए, लाइक दैट। डेरी, आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट When I am as old as you, I look the same. I am still only have half a face. Derry is frustrated. Derry में optimism बिल्कुल नहीं है। Derry को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इतना इतना समझाने के बाद भी उसमें इतना सा भी optimism, आशा नहीं आ रही है कि हाँ future में कुछ ठीक हो सकता है या दुनिया को अलग नज़र से देखा जा सकता है। Derry is adamant, वो ज़िद पड़ा हुआ है कि सुनिए, जब मैं बूढ़ा होऊंगा ना, मैं तब भी ऐसे ही दिखूंगा, तब भी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। आई वॉन्ट लुक एवर डिफरेंट, मैं कभी अलग नहीं दिखने वाला हूँ। वैन आई एम एज ओल्ड एज यू, मैं जब आपके जितना भी बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं बिल्कुल ऐसा ही दिखूंगा जैसा मेरा चेहरा है, और तब भी मेरे पास सिर्फ आधा ही चेहरा होगा, जैसे आप आज मेरे पास आधा चेहरा है तब भी मेरे पास आधा ही चेहरा होगा, कुछ नहीं बदल जाएगा। डेरी, सॉरी मिस्टर लैम, So you will, but the world won't. The world's got a whole face and the world's there to be looked at. Derry, do you think this is the world, this old garden, when I'm here, not the only one, but the world, as much as anywhere? अब मिस्टर नाम उससे पूछते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा चेहरा आधा ही रहेगा, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी तुम्हारा चेहरा आधा ही रहेगा, लेकिन दुनिया के पास तो पूरा चेहरा है ना, दुनिया तो पूरी है, तुम्हारे पास चेहरा आधा है तो क्या हो गया? दुनिया तो पूरी है ना, दुनिया के पास पूरा फेस है। द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट, पूरी दुनिया पड़ी है देखने के लिए तुम्हारे पास, तुमको लोग देखेंगे तो तुम्हारा सिर्फ आधा चेहरा दिखेगा, लेकिन तुम्हारे पास तो पूरी दुनिया है ना देखने के लिए भाई, पूरी दुनिया देख सकते हो तुम, दुनिया में क्या क्या नहीं है देखने के लिए। तो डेरी कहता है अच्छा, आप किसको दुनिया कहते हैं, आपके हिसाब से दुनिया क्या है? हाँ, डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, ये दुनिया है जिसमें मैं रह रहा हूँ उसको दुनिया बोल रहे हैं आप? दिस ओल्ड गार्डन, ये पुराना सा जो गार्डन, ये बगीचा, इसको दुनिया कहते हैं आप? मिस्टर लैम, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ होता हूँ, नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर। मिस्टर लैम का कहना है कि जिस मोमेंट में तुम जहाँ हो उसको ही दुनिया मानो, उसको जीना सीखो। तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ, यही मेरी दुनिया है, जब मैं यहाँ हूँ मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे आसपास जिसको मैं देख सकता हूँ, यही दुनिया है मेरे लिए अभी, क्योंकि मैं इस मोमेंट में यहाँ हूँ, मैं जिस टाइम वहाँ हूँगा वो दुनिया होगी मेरी, ठीक है। डेरी, डज योर लेग हर्ट यू? मिस्टर लैम कहते हैं कि सॉरी डेरी पूछता है, टॉपिक चेंज हो गया, डेरी पूछता है कि
क्या आपका पैर कभी दर्द होता है, इसमें कुछ दिक्कत होती है कभी? मिस्टर लैम कहते हैं, टिन डजेंट हर्ट बॉय, टिन के पैर में क्या दर्द होगी? लड़के, डेरी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, जब आपका पैर आपके पैर से अलग हो गया था तब दर्द हुआ था क्या? ऑब्वियसली हुआ होगा। मिस्टर लैम, सर्टेनली हाँ हुआ था, बिल्कुल निश्चित रूप से। डेरी एंड नाउ, और अब भी दर्द होता है क्या? आई मीन व्हेन द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, तो वो कहता है कि वहाँ पे दर्द होता है कि जैसे ये वाला और ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे मान लो अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पे टिन ख़त्म हो जाता है ना, यहाँ से उनका फ्लैश एंड बोन स्टार्ट होता है, तो वो कह रहा है कि ये जो टिन और फ्लैश वाला जो पार्ट है जहाँ पे टिन ख़त्म होता है वहाँ पे तो दर्द होता होगा ना, जहाँ अटैच किया हुआ है वहाँ तो कभी कभी दर्द होता होगा ना, वहाँ तो कुछ महसूस होता ही होगा। एट द टॉप, ऊपर में जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहाँ पे दर्द होता है क्या? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन, कभी कभी होता है। इन वेट वेदर, हाँ कभी कभी जब पैर में पानी लगता है तो दर्द होता है, जब गीला हो जाता है। इट डजेंट सिग्निफाई, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ठीक है कभी कभी दर्द होता है। डेरी, ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स। अब डेरी को ना बहुत ज़्यादा सिंपथी मिल चुकी है, इतनी ज़्यादा ना, और इतने लोग उसको समझा चुके हैं ना कि उसको डायलॉग्स याद हो गए और उसको कुछ भी जेन्युइन नहीं लगता, लोगों की एक बात जेन्युइन नहीं लगती है। तो डेरी इनको जब वो पूछते हैं कि आपको दर्द होता है, आपके वहाँ पे पैर में दर्द होता है जहाँ पे अटैच किया हुआ है वहाँ पे दर्द होता है, तो ये कॉन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद डेरी कहता है कि ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, जैसे अभी मिस्टर लैम थोड़ा ब्रेव बिहेव कर रहे हैं ना कि हाँ दर्द होता है, कोई फर्क उतना ज़्यादा नहीं होता है, कोई बात नहीं, ठीक है सब चलता है। तो डेरी कह रहा है कि बस यही तो लोग कहते हैं, जब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं ना बाहर के, तो उन लोगों का कहना होता है कि लुक एट ऑल दोज पीपल, देखो उन लोगों के पास इतना तकलीफ़ है उन लोगों को, फिर भी वो लोग कितने ब्रेव हैं, कभी रोते नहीं हैं, नेवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देम सेल्व्स, और कभी भी अपने बारे में अपने दुख को गाते नहीं हैं, कभी अपने दुख को लेकर रोया नहीं करते हैं। होता है ना, जैसे हमेशा हम लोग को सिखाया जाता है कि जब तुम्हारे पास इतना है ना तो उसको देखो जिसके पास वो भी नहीं है, ठीक है, उसके उन लोगों को देख करके जियो जिसके पास उतना भी नहीं है। जैसे सपोज कभी हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग भगवान को तुरंत बोलने लगते हैं मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों या मेरे साथ हुआ है वगैरह वगैरह, तब उस टाइम पे हम लोग को जो कंसोल करता है, जो थोड़ा सा समझदार होता है, वो हम लोग को क्या समझाता है कि तुम्हारे पास देखो इतना है ना कम से कम, देखो उसके पास वो भी नहीं है, तो वहाँ कंपैरिजन आ जाता है। तो ये चीज़ हम लोग को समझाने के लिए की जाती है ताकि उनसे हम लोग को हिम्मत मिले। तो डेरी अब 14 साल का बच्चा, उसको ऐसी बातें बोली गई हैं ऑब्वियसली कि देखो तुम्हारे पास आधा फेस नहीं है, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो लोग के पास पूरा ही चेहरा नहीं होता, उनके पास दुर्घटना हो जाती है, हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो लोग कैसे जीते हैं, वो लोग कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, कभी अपने बारे में बोलते नहीं हैं, कभी लोगों की सिंपथी नहीं चाहिए, कभी अपने दर्द को लेकर के रोते नहीं रहते हैं, हमेशा बहादुर रहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वही डायलॉग को रिपीट कर रहा है, इतना इसको याद हो गया ना सारी चीज़ें सुन सुन करके। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ ठीक है, लोग बोलते होंगे, मैंने तो नहीं बोला ना, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? तो मिस्टर लैम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको रिटेलिएट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि हाँ ठीक है लोग ऐसा बोलते होंगे, मैंने ऐसा कुछ बोला, तुमको नहीं बोला ना, मैं तुमको कोई लेक्चर नहीं देने वाला हूँ अभी। डेरी एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू थिंक, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बोर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हीलचेयर और बी डैफ्ट इन हेड और ड्रिबल। तो डेरी कहता है हाँ आपने नहीं बोला तो क्या, और मुझे मिलता है ना लेक्चर, जैसे लोग बोलते हैं कि हाँ उनके बारे में सोचो जिनकी स्थिति तुमसे भी ख़राब है, वर्स ऑफ देन यू, जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, जैसे कि सपोज़ करो कि तुम बचपन से ही अंधे होते, बचपन से ही तुम्हारे उसके साथ, तो बाद में ऐसा हुआ ना एक दिन उसके चेहरे पे एसिड गिर गया, उसका जन्म तो सब कुछ ठीक ठाक हुआ था, तो उसको समझाते होंगे लोग तो कहते होंगे कि तुम्हारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है, तुमसे बुरा बुरा भी लोगों के साथ हुआ है, कुछ लोग तो बचपन से ही उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी, बचपन से ही ब्लाइंड पैदा हुए हैं,
डेफ बहरे पैदा हुए हैं, कुछ लोग हमेशा से व्हील चेयर में ही रहे हैं, तुम तो कम से कम दौड़ सकते हो, चल सकते हो, कुछ लोग हमेशा डेफ्ट मंद बुद्धि ही पैदा होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती है वो लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, ड्रिबल, ठीक है, जो लोग मंद बुद्धि होते हैं ना, थोड़े बिहेव करते हैं, नॉर्मल बिहेव नहीं करते हैं, वो बड़े साइज़ में बड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसे ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब होता है लार गिरना, लार बहती है ना छोटे बच्चों के मुँह से, तो वो लोग बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, डैफ्ट जो मंद बुद्धि होते हैं, वो उनका हेड तो बड़ा हो जाता है लेकिन सर तो बड़ा हो जाता है, लेकिन ड्रिबल यानी छोटे बच्चों के जैसा बिहेव करते हैं, लार गिरते रहती है उनके मुँह से, तो वही बात हो रही है। तो यहाँ पे ही इज़ कंपेयरिंग ऑल दोज थिंग्स, उसको लग रहा है कि मेरे साथ मुझे ऐसे इस तरह के लेक्चर मिलते हैं, लोग मुझे बोलते हैं, और यही बात कि लैम्ब अभी अपने दर्द के बारे में बोला है कि नहीं उतना दर्द नहीं करता है, ठीक है, चलता है, सब चलता है, तो उस चीज़ पे वो क्या कर रहा है, हाँ मुझे पता है अब आप मुझे ऐसे डायलॉग्स दोगे, लेकिन लैम्ब उसको ऐसी कोई भी बातें नहीं बोलता है। सो वी कैन सी दैट हाउ मच फ्रस्ट्रेटेड हियर डेरी इज़, एंड वी विल फाइंड आउट दैट हाउ मिस्टर लैम्ब ट्राइज टू टीच हिम और मेक हिम अंडरस्टैंड, और इफ़ ही अंडरस्टैंड्स इट और नॉट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।